हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स पर। दोस्तों, अपनी आखिरी वीडियो में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। मुझे लगा था कि सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है स्टूडेंटों के लिए एग्जाम के लिए, ये उनके फेवर में नहीं है। इससे उन लोगों को क्या कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो गया उस वीडियो में। पर दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक हैप्पी अपडेट देने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर आप लोगों के फेवर में आ गए। वो जो सीबीएसई बोर्ड ने जो बताया है ना कि इस तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, दो ऑप्शन दिए, उनमें से किसी के भी फेवर में नहीं है। देखो, छत्तीसगढ़ ने तो तुरंत उस दिन मीटिंग के बाद ही डिसीजन ले लिया और ओपन बुक एग्जाम मेथड ऑप्ट किया। देखो, ओपन बुक एग्जाम मेथड दोस्तों ये होता है कि इसमें आपको आपके पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे मैथ का पेपर है तो मैथ के आपको सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए और 5 दिन का टाइम दे दिया स्कूल वालों ने कि जाओ आराम से करके लाके 5 दिन अंदर कभी भी स्कूल में आके सबमिट कर दो। देखो कितनी बढ़िया बात है, इससे बच्चे के कोविड इन्फेक्टेड होने का खतरा कितना कितना कम हो गया। अब आप खुद लोग खुद सोचो कितना अच्छा होगा। देखो, अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो मेथड सीबीएसई ने दिया है हम लोग इनके बिल्कुल फेवर में ही है, आप मार्क्स वैल्यूएशन का कोई दूसरा मेथड बताओ। दूसरा मेथड देखो दोस्तों, वो लोग कह रहे हैं, आप लोग खुद सोशल मीडिया पर लाइव आकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ये लोग सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसा करो, फोन से बायवा ले लो। अगर आपको मार्क्स वैल्यूएशन ही तो करना, तो टीचर क्या करे, अपनी क्लास के सारे स्टूडेंटों का एक एक करके बायवा लेना स्टार्ट करते, 15 दिन के अंदर सारे बायवा खत्म करते। अगर 1 दिन के अंदर 10 बच्चों का भी बायवा लेगा, 150 बच्चे से ज्यादा किसी भी क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरीके को भी ऑप्ट किया जा सकता है और भी बहुत सारे मेथड है मार्क्स एवेल्यूएशन के, तो वो लोग कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग आप लोगों के फेवर में आ गए। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थी, डायरेक्ट आप लोगों के फेवर में, वो कह रहे हैं कि आप एग्जाम कंडक्ट कराने की ही जिद कर रहे हो तो आप वैक्सीनेशन करा दो, स्टूडेंट और टीचर का दोनों का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। तो देखो, वैक्सीनेशन के काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर वैक्सीनेशन हुआ तो आपका एग्जाम कम से कम 2 मंथ डिले हो जाएगा। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि वैक्सीनेशन करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू करना है, देखो कितना टाइम कंजप्शन होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिसके बाद हम रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू गाइज।